Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today in this video we are going to discuss about the insider trading. What is the insider trading? What does the insider trading means? Insider कौन होता है? Insider एक ऐसा person होता है जिसके पास में बहुत ही अगुप्त या फिर बोलो price sensitive information होती है किसी company के बारे में. किसी company से related कोई ऐसी information एक ऐसे बंदे के पास में है. वो information market में normal public के पास में नहीं है अभी तक, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास में. उस इन्फॉर्मेशन को प्राइस सेंसिटिव कहा जाता है. उस इन्फॉर्मेशन को प्राइस सेंसिटिव कब कहा जाता है? जब वो इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर उस कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस में काफ़ी चेंजेस आएंगे, मतलब अगर उस वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ जाए, पब्लिक को पता चल जाए, तो उस इन्फॉर्मेशन से स्टॉक की प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती है. अगर ये पॉसिबिलिटी है, दैट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. और ये इन्फॉर्मेशन अगर उस इनसाइडर के पास में, एक बंदे के पास में है, अच्छा तो सर ये बंदा कौन हो सकता है? इनसाइडर, इनसाइडर कैन बी एनी बडी फ्रॉम द कंपनी एंड आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी ऑल्सो. कौन हो सकता है अंदर से, कंपनी के अंदर से सर कौन हो सकता है? दे कैन बी कॉरपोरेट ऑफिसर्स, दे कैन बी कॉरपोरेट ऑफिसर्स, दे कैन बी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, दे कैन बी ओनर्स ऑफ द कंपनी. दीज पीपल इफ दे हैव द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि अभी तक नॉर्मल पब्लिक के पास में नहीं है, दीज पीपल विल बी कॉल्ड एज इनसाइडर. इसके अलावा कुछ ऐसे आउटसाइडर्स होते हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड होते हैं. ये कंपनी से रिलेटेड आउटसाइडर्स कैन बी इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, एजेंट ऑफ द कंपनी, एडवाइजर ऑफ द कंपनी, एनालिस्ट ऑफ द कंपनी, कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनसाइडर फॉर दिस पर्पज. भले ही कंपनी के अंदर काम नहीं करते, दे वर्क आउटसाइड द कंपनी, दे आर फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, बट दे आर रिलेटेड फॉर सम सर्विस टू द कंपनी. इफ दे हैव सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि अभी तक पब्लिक के पास में नहीं है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनसाइडर. सर ये इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, कैसी इंफॉर्मेशन हो सकती है? बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अब आप ऑडिट करने जाते हो तो आपके पास में अनऑडिटेड डेटा है. अभी तक मार्केट में क्वार्टरली रिजल्ट्स आए नहीं हैं कंपनी के, लेकिन आपके पास में पता है क्योंकि आप ऑडिट कर रहे हो. दैट इन्फॉर्मेशन इज प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, ये सिर्फ आपको पता है, कंपनी में दो चार लोगों को पता है, लेकिन बाहर वालों को नहीं पता, पब्लिक को. कंपनी एक्सपांशन करने वाली है, कंपनी अपने और शेयर्स इशू करने वाली है. अगर मार्केट में ये न्यूज़ आ जाए कि कंपनी शेयर्स इशू करने वाली है, शायद शेयर्स प्राइसेस बढ़ेंगे. डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, शेयर प्राइसेस गिरेंगे. अमलगमेशन होगा, शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे. मर्जर होगा, एक्सपांशन होगा, शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी. ये ऐसी न्यूज़ है जिससे शेयर की प्राइसेस पे फ़र्क पड़ता है, और ये न्यूज़ मार्केट में पब्लिक को अभी तक नहीं है. दिस इज नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में. एंड दैट पर्सन कैन बी एनीथिंग, एनीवन, एजेंट, एडवाइजर, एनालिस्ट, कंसल्टेंट, जो भी कोई पर्टिकुलर सर्विसेज देने कंपनी में आया है. अगर ये लोग जो कि इनसाइडर कहलाए जाते हैं, ये लोग इस प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मार्केट में ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, अगर ये इनसाइडर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे मार्केट में ट्रेड करते हैं, दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज विल बी कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिस, या इनसाइडर ट्रेडिंग बोलो. दिस इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिस. मतलब आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों आपने इन सिक्योरिटीज़ या मैं बाय और सेल के ट्रांजेक्शन किया ऐसी इन्फॉर्मेशन को लेके जो कि पब्लिक के पास में नहीं है? क्योंकि आप एबनॉर्मल गेन या हासिल करना चाहते हो, आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो,
या आप लॉसेस को अवॉइड करना चाहते हो, बिकॉज आपको पता है ये अमलगमेशन वाली बात अभी तक मुझे पता है और अब ये मार्केट में आने वाली है अगले महीने, तो शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी, इसलिए मैं अभी खरीद के रख लेता हूँ और तब जाके बेच दूंगा। ये हो गया एबनॉर्मल गेन। आपको नॉर्मल गेन होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब अगर पैरिटी पे हो, ये आपको लाइक आपको एडवांटेज मिल गया, एक्स्ट्रा एडवांटेज जो कि नॉर्मल पब्लिक को नहीं है। इससे सिक्योरिटीज़ मार्केट में, सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करने में सेबी को दिक्कत होगी, मार्केट में इन्वेस्टर्स का भरोसा उड़ जाएगा, इन्वेस्टर्स अवॉइड करेंगे। क्योंकि क्या होगा पता है, मैं आपको जस्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आपने शेयर्स खरीद लिए बहुत सारे मार्केट में, आपको पता है अगले महीने न्यूज़ आने वाली है अमलगमेशन की, या बहुत सारा प्रॉफिट है तो उसकी न्यूज़ आने वाली है, तो शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी। अब आपने क्या किया, 50 रुपये में आज शेयर खरीद लिए, अगले महीने ये न्यूज़ मार्केट में गई, प्रॉफिट्स थे बहुत सारे, अमलगमेशन था, 50 की प्राइस सीधी हो गई 70, लोगों को अच्छी खासी न्यूज़ मिली तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, पब्लिक ने खरीदना शुरू कर दिया, और उस टाइम पे आपने बेच दिए शेयर 70 में, 20 रुपीज़ ईच शेयर आपको प्रॉफिट था, और आपने मान लो करोड़ों शेयर्स खरीदे होंगे, और धड़ाम से इतने सारे शेयर्स बिकना शुरू हो जाते हैं, मार्केट हल जाएगा। अरे मार्केट में न्यूज़ तो अच्छी आई थी, ये शेयर्स बिके क्यों? डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट करेगा और शेयर्स की प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएगी। जैसे इतना सारा सप्लाई आया मार्केट में, आपने जब बेचा, शेयर की प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएगी। तो इन लोगों ने जो 70 में खरीदा था, अब इनकी प्राइस हो गई 65, मान लो 60 या 55, इन लोगों को नुकसान हो गया। तो अब क्या होगा, इन लोगों का भरोसा उड़ जाएगा मार्केट से। जो इकोनॉमी है, हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो शेयर मार्केट में या फिर यहाँ पे, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी एंड पीपल विल स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। सो इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट, इट वुड गो अगेंस्ट द मार्केट, अगेंस्ट दैट पर्पज़, एंड दिस शुड नॉट हैपन। इसीलिए ऐसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में किसी भी इंसाइडर ने इंसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये रूल बनाया गया। सो इंसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिस लॉफुली इलीगल है अपनी कंट्री में, बहुत सारे और कंट्रीज़ में भी सेम रूल है, एंड देर आर वेरियस पनिशमेंट फॉर दैट, देर आर वेरियस पेनल्टीज फॉर दैट, फाइन फॉर दैट। सेबी आपको शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करने पे बैन लगा सकता है, आप पे करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा सकता है अगर आपने इनसाइडर ट्रेडिंग या ऐसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पे ट्रेडिंग की। तो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिस, एंड यू कैन नॉट, आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट ट्रेड ऑन सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट। अगर आपको सेबी को, आपको सेबी को पता चल गया, या फिर स्टॉक एक्सचेंज या कहीं आपको अथॉरिटीज़ को पता चल गया कि आपने कोई ऐसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में बहुत बड़ी डील की है, दे विल कम टू यू एंड दे विल चार्ज यू लाइक हेल। छोटा मोटा अभी मैं प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, दिस इज़ ऑल दी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली कि सर ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, ये मैंने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये मैंने कुछ चीज़ें बता दी कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव होती है, ठीक है। और ये कॉरपोरेट ऑफिसर्स किसके होते हैं, कंपनी के होते हैं। नाउ द थिंग इज़, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, अब आप क्या कर सकते हो पता है, आपका कोई फ्रेंड मान लो किसी लिस्टेड कंपनी में है, और वो फ्रेंड आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उस फ्रेंड को काफ़ी सारी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा, वो आपको फ़ोन करके बोल देता है कि यार अगले महीने ना रिजल्ट्स आने वाले हैं कंपनी के, प्रॉफिट अच्छा खासा है, शेयर्स खरीद लेते। आपने क्या किया, शेयर्स खरीद लिए उसके बेसिस पे, दिस इज़ मार्केट मैनिपुलेशन बेसिकली। और आपने मान लो सिर्फ 100 शेयर्स खरीदे, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो आपने 50 रुपये में खरीदे, 70 में बेचा, ये बहुत छोटा सा ट्रांजैक्शन है 100 शेयर। जब मार्केट में करोड़ों शेयर्स बिकते हैं है कंपनी के, और आप 100 शेयर्स में डील कर रहे हैं, बहुत छोटा ट्रांजेक्शन है, भले ही इनसाइडर ट्रेडिंग है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन के बेसिस पे कहीं पता ही नहीं चलेगा मार्केट में किसी भी अथॉरिटीज़ को कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट था, और उन लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इससे इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है मार्केट पे। आपने 100 शेयर 50 के रुपये में खरीदे और 70 के में बेच भी दिए ना, तो फ़र्क नहीं पता पड़ेगा मार्केट पे। जब आप करोड़ों शेयर्स खरीदोगे, जब क्वांटिटी में होगा, तो इम्पैक्ट भी क्वांटिटी में पड़ेगा, और तब जाके आप पे वॉच रखा जाएगा, या आप ये जो ट्रांजेक्शन करोगे बाय सेल वाला, ये नज़रों में आ जाएगा उनके, और इस पे फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, और कहीं ये पता चल गया कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लिया गया ट्रांजेक्शन था,
तो फिर पंगे हो जाएंगे। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, छोटा मोटा अमाउंट आप अगर छोटा मोटा ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो देर इज़ नो वरी फॉर दैट, देर विल बी नो इश्यूज ऑफ होप। बट यस, छोटा हो बड़ा हो, लॉ के हिसाब से इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ इलीगल, दैट इज़ क्लियर फ्रॉम माई साइड। सो दिस इज़ द इंटायर प्रोसेस, दिस इज़ द इंटायर मीनिंग ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ। कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है किसी कंपनी के बारे में, व्हाट इज़ द प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन? कब किसी इन्फॉर्मेशन को प्राइस सेंसिटिव कहा जाता है? जब वो इन्फॉर्मेशन किसी नॉर्मल पब्लिक के पास ना आई है, एक किसी बंदे के पास में है। आपके पास में अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि पब्लिक के पास में नहीं है, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ अ प्राइस सेंसिटिव। कब? जब उस इन्फॉर्मेशन के कंपनी, इस इन्फॉर्मेशन के मार्केट में आने से कंपनी के स्टॉक प्राइस को फ़र्क पड़ता है। व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इट कैन बी? इट कैन बी डिविडेंड डिक्लेरेशन, इशू ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अमलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर, एक्सपांशन, प्रॉफिट्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड जिससे स्टॉक के प्राइसेस को फ़र्क पड़ता है और जो कि पब्लिक में अभी तक डिसमिनेट नहीं हुई है, एंड दैट इन्फॉर्मेशन यू हैव दैट पर्सन, और वो पर्सन को इनसाइडर कहा जाता है। ये इंसाइडर कौन होता है? ये इंसाइडर कैन बी कॉरपोरेट ऑफिसर, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, ओनर ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर आउटसाइडर में भी इंटरनल या स्टेचुटरी ऑडिटर, एजेंट हो, एडवाइज़र हो, एनालिस्ट हो, कंसल्टेंट हो, कोई भी हो जिसके पास में ऐसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। एंड दैट पर्सन इज ट्रेडिंग इन द शेयर मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। ही इज़ बाइंग सिक्योरिटीज, ही इज सेलिंग सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिस। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट, आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।